स्वावलंबनम, यानी कि जो जो स्वावलंबन का मतलब अपना जो है वो स्वभाव का है ना, आचरण विचार का इसमें बताया गया है। कृष्ण मूर्ति श्री कंठस्य मित्रे आस्ताम, यानी कि कृष्ण मूर्ति और श्री कंठ दोनों क्या थे, आपस में मित्र थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में श्री कंठस्य पिता समृद्ध आशी, और श्री कंठ के जो पिता थे वो क्या थे, समृद्ध थे यानी कि धनी थे। ठीक है ना दोस्तों, इसमें यानी कि दो मित्र हैं श्री कृष्ण और श्री कृष्ण मूर्ति और श्री कंठस्य, दोनों आपस में मित्र हैं, और श्री कंठ के क्या है, पिता जो है वो क्या है, धनी है। श्री कंठ के पिता जो है वो धनी है, अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानी आसान, यानी कि जो श्रीकंठ है उसके भवन में बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के सुख साधन जो है वो है। ठीक है ना दोस्तों, इसको तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, यानी कि इसके भवन में जो है वो क्या बोलते हैं, तस्मिन् विशाल, यानी कि उसके जो विशाल, उनके जो विशाल भवन था उसमें चत्वारिंशत् स्तंभा, यानी कि 40 जो है वो क्या थे, स्तंभा थे, स्तंभ थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, और इसमें क्या बोलते हैं, 18 क्या थे, कमरे थे, इसमें 18 कमरे थे। 50 गावक्ष चतुरंग चतुवारिशत द्वाराणी, और 50 इसमें गवाक्ष थे, और चतुर त्रिंशत द्वाराणी, और इसमें यानी कि 34 क्या थे, द्वार थे। 37 विद्युत व्यंजनानी, और इसके 36 विद्युत व्यंजन थे। तत्र 10 सेवकः निरंतरः कार्यं कुर्वन्ति स्म, और उसके घर में 10 सेवक सेविका कार्य करते थे निरंतर, यानी प्रतिदिन 10 लोग उसके यहाँ पर क्या करते थे, कार्य करते थे। परमः कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषकः दंपति, और कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे वो क्या थे, निर्धन थे। कृष्ण मूर्ति के माता पिता कैसे थे, निर्धन और क्या थे, कृषि करने वाले थे। तस्य गृहं आडंब रविहीनं साधारण च आसीत, और उनका गृह आडंबर से विहीन और क्या था, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं था, वो एक साधारण घर था। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें उसके जो श्रीकंठ है उसका जो भवन है वो श्रीकंठ के जो पिता का जो भवन है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें कई खंभे लगे हुए हैं, कई प्रकोष्ठ कमरे बने हुए हैं, उसके 10 सेवक सेविकाएं कार्य करते हैं, प्रतिदिन उसके 10 सेवक सेविकाएं कार्य करते हैं, और जो कृष्ण मूर्ति है उसके माता पिता निर्धन हैं, कृषक हैं, कृषि का कार्य करते हैं, और क्या बोलते हैं, उनका जो घर है वो बहुत ही साधारण है, आडंबरों से विहीन है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्, यानी कि एक दिन श्रीकंठ जो है तेन सह, यानी कि श्रीकंठ प्रातः काल 9 तस्य गृहम्, यानी कि उसका जो कृष्ण मूर्ति का जो घर है उस पर क्या किया, वो आ गया। तत्र कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च स्व
सुसक्तया श्रीकंठस्य अतीर्थम अकुर्वेद, यानी कि कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता स्वसकल्याम श्रीकंठ यानी कि अतिथि के रूप में उसको क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, यानी कि जो कृष्ण मूर्ति है और उसके जो माता पिता हैं वो सब मिलकर के श्रीकंठ का सब अतिथि के अनुसार सम्मान कर रहे हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथत्, और ऐसा देख करके श्रीकंठ बोलता है, मित्र अहम भवताम सत्कारे संतोष संतुष्ट अस्मि, यानी कि मित्र मैं आप सभी के सत्कार से सम्मान से बहुत आदर से बहुत ही क्या हुआ हूँ, संतुष्ट हुआ हूँ। केवलम इदमेव ममम दुखम यत तव ग्रहे एको अपि व्रतः नास्ति, यानी कि केवल मुझे एक ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी क्या नहीं है, व्रत नहीं है, दीवार नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, और मेरे सत्कार के लिए आप सभी लोगों ने बहुत कष्ट प्राप्त किया होगा ऐसा मुझे महसूस होता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि वो उसके घर पर जाकर के कह रहा है श्रीकंठ के आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से सत्कार किया है, बहुत अच्छे से सम्मान किया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मेरे सत्कार करने से बहुत क्या हुआ हुआ, कष्ट हुआ हुआ, मतलब बहुत मेरा सत्कार तो किया है लेकिन तुम्हें बहुत कष्ट प्राप्त हुआ होगा। मम ग्रह तू बहम कर्म कारा संते, और मेरे ग्रह में मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं, बहुत सारे कार्य को करने वाले लोग हैं। ठीक है, तदा कृष्णमूर्ति अवदत, तब कृष्णमूर्ति बोलता है ममापि अष्टो कर्म करा संति, और हम आठों जो है वो क्या है, कर्मकार है, कार्य करने वाले हैं। तेच द्यो पादो द्यो हस्तो और द्यो नेत्रो, यानी कि दो पाद दो पैर दो हाथ और दो नेत्र। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि वो कह रहा है कि मेरे जो आठ अष्ट यानी आठों जो अंग है वो क्या है, कार्य करने वाले हैं, और दो पाद हैं, दो हस्त हैं और दो नेत्र भी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए, और दो श्रोते और दो कान हैं, यानी कि वो जो है जो कृष्ण मूर्ति जो है वो अपने मित्र से कह रहा है कि मेरे कार्य करने के लिए दो हाथ हैं, दो पैर हैं और दो नेत्र हैं और दो कान हैं। ठीक है ना दोस्तों, इति प्रतिक्षणम मम सहायका, और ये मेरे प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण मेरे सहायक रहते हैं, मेरे साथ में रहते रह करके सहायता करते हैं। किंतु तव व्रत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न सकुनुत्पत्ति, यानी कि तव व्रत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता, और तुम्हारे जो है वो सदैव साथ में नहीं रहते हैं और ना ही क्या करते हैं, सुनते हैं। त्वं तु स्वकार्याय व्रत्याधीनम, और स्वयं को जो कार्य करना चाहिए और उनके सेवकों के या उनके अधीन नहीं रहना चाहिए। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, और जहाँ जहाँ वो अनुपस्थित रहते हैं वहाँ तदा वहाँ वहाँ त्वं कष्टम, यानी कि जहाँ पर वो तुम्हारे कर्मकार हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, नहीं रहते हैं, वहाँ पर तुम्हें कष्ट भोगना पड़ता है। स्वावलंबन तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवते, और स्वावलंबन यानी कि स्वयं
के ऊपर आत्मनिर्भर होना क्या है, हमेशा क्या करता है, हमेशा सुख देता है, स्वयं के जो कर्म करता है यानी स्वयं के ऊपर निर्भर रहता है वो हमेशा ही स्वावलंबी तू सर्वदा सुखमेव यानी कि हमेशा ही सुख पूर्ण होता है और न कदापि कष्टम भवति और कभी भी उसको कष्ट प्रदान नहीं होता है। ठीक है ना। श्रीकंठ अवदत् मित्र, श्रीकंठ कह रहा है कि हे मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता और तुम्हारे जो है वो वचनों को सुन करके मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही प्रसन्नता महसूस मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जो श्री उसने मतलब कृष्ण मूर्ति ने अपने मित्र को कहा कि हे मित्र तुम्हारे जो है वो सहायक कर्म वाले जो है जो सेवक हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, अतः वो नहीं रहे तो तुम्हें दुख प्राप्त होता है, इसलिए हे मित्र मैं तो हमेशा मेरे जो अष्ट अंग हैं, पैर हैं, हाथ हैं और नेत्र हैं और कान हैं, उनसे हमेशा कर्म करता रहता हूँ तो कभी भी दुखी नहीं होता। श्रीकंठ भरत श्रीकंठ ने उसको ऐसे वचन कहे और तब उसके बाद उसका मित्र जो श्रीकंठ है वो कहता है कि तुम्हारे वचनों से मैं क्या हुआ हूँ, प्रसन्न हुआ हूँ। आदुना अहम अपि स्वकार्याणि सहमेव कर्तुम इच्छामि, यानी कि हमेशा हम स्वकार्य के आज से मैं भी क्या करूंगा, स्वयं के कार्य स्वयं ही करूंगा, ऐसा मैं ऐसी मेरी इच्छा है। और भवतु सात द्वादश वादनम मेदम साम प्रथम ग्रहम चाले चलामि, यानी कि तुम सात द्वादश यानी कि सवा बारह बजे मेरे गृह घर पर क्या करो आओ, यानी कि मेरे घर पर आओ, यानी कि सार्ध बारह से साढ़े बारह बजे तुम क्या करो मेरे घर पर आओ, संप्रातम ग्रहण चलामि और अपन दोनों साथ में क्या करते हैं घर के लिए चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें मतलब दो मित्र हैं और उसमें इस जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक का जो सप्तम पाठ है इस तृतीय पाठ जो है इसमें ही कहा गया है कि हमेशा अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर रहना चाहिए और हमेशा कभी भी किसी के ऊपर मतलब डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मतलब किसी के कार्य के लिए हमेशा अपने आप को आतुर रहना चाहिए और स्वयं के कार्य स्वयं ही करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।